नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स के सभी दर्शकों का। मैं हूं आपका सरस सिंह। बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत आज भारतीय समय अनुसार 7 बजे शुरू हो रही है। बता दें कि भारतीय टीम को एक कल बड़ा ही बड़ा झटका लगा है। बता दें कि केएल राहुल और लेग स्पिनर एवं चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव 5 मैचों की T20 श्रृंखला से दोनों खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए। वहीं पर 2022 की IPL ट्रॉफी गुजरात टाइटंस को जिताने में अहम भूमिका अदा करने वाले हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बना दिया गया है। और बात करें युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर भारतीय T20 टीम की कप्तानी का जिम्मा BCCI ने ऋषभ पंत को सौंपा है। वहीं पर क्रिकेट फैंस के लिए जगह जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि 2022 IPL की गुजरात टाइटंस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पांड्या को कप्तान न बनाकर ऋषभ पंत को कप्तान बनाना कितना सही है और यह निर्णय कितना सफल होगा, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट फैंस जगह जगह चर्चा करते आ रहे हैं कि 2022 IPL ट्रॉफी जीतने में गुजरात टाइटंस की अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पांड्या गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन किया है और उन्होंने अच्छी कप्तानी करते हुए गुजरात टाइटंस को 2022 की IPL ट्रॉफी जितवाई। उसके बाद भी ऋषभ पंत को कप्तान बनाकर उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। इस पे जगह जगह क्रिकेट फैंस को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं पर बता दें कि आज भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। हमारी नज़र इस T20 मैच पर बनी रहेगी। हमसे जुड़े रहिए, जैसी भी खबरें होंगी हम आप लोगों को देते रहेंगे। तब से हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।